साथ उठाया जा सके। वहीं तेजस्वी चुनाव प्रचार के लिए समस्तीपुर भी पहुंचे और पार्टी कैंडिडेट रूमा भारती के समर्थन में सभा को संबोधित किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध, महंगाई और बेरोजगारी मामले पर सरकार पर जमकर बरसे। बढ़ते अपराध पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जब मुख्यमंत्री खुद ही सुरक्षित नहीं है, ऐसे में आम लोग कितने सुरक्षित रहेंगे, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। उधर चुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कैंडिडेट संजय कुमार के पक्ष में वोट देने की अपील की। साथ ही दिनों दिन बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। देखो बीजेपी के लोगों ने क्या कहा, मुकेश सहनी जी ने यूपी में बीजेपी के लोगों को क्या कहा, मुख्यमंत्री ने स्पीकर को लताड़ा। अब फिसड्डी होने के बाद नीति आयोग रिपोर्ट में मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, और उप मुख्यमंत्री बोलता है विशेष राज्य का दर्जे की जरूरत नहीं। मुकेश सहनी विधानसभा में बोल रहे थे, बहुत भाषण दे रहे थे, बोला मुकेश जी थोड़ा स्थिर से, आप रिचार्ज कूपन, आपका रिचार्ज भी हो पाएगा। आज देखो भाजपा वाला सहनी जी के ठग लिए खड़ा न गए। हम तो किसी को छोड़े नहीं थे, लोग खुद बहुत करके चले गए थे, सोचे कि भाजपा में भाई ज्यादा सीट मिलेगा, ही मिलेगा। हम लोग मान सम्मान करना चाहते हैं, तो आप बुझा रहा है तो सहनी जी बोल रहे कि नहीं हम तो लालू जी के विचार के आदमी हैं, अच्छा के बैठे रहे थे आरएसएस के क्रोध में। परेशान है, सर रहा है, लेकिन सरकार लेती नहीं, जितना खर्च लागत है उसका वो रिटर्न नहीं आता है किसान को, किसान तबाह है, यानी सिंचाई नहीं। अब सुनवाई या कार्रवाई कहाँ है भाई, ब्लॉक थाने चले जाइए तो बिना चंदा चढ़ावे हुए कोई सुनवाई ना कार्रवाई होती है भाई। तो हम तो कहे थे कि हम पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार लाएंगे, लेकिन इस सरकार में ना पढ़ाई होता, ना दवाई मिलता, ना कमाई होता, ना सिंचाई होता, ना सुनवाई होता, ना कार्रवाई होता, केवल अपना कुर्सी बचाने में लोग लगे। विधान परिषद चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट की जीत पक्की करने के मकसद से पार्टी नेता श्याम रजक बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से पार्टी उम्मीदवार मनोहर यादव को वोट देकर जिताने की अपील की। इस दौरान श्याम रजक ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा और अफसरशाही के हावी होने का आरोप लगाया। श्याम रजक ने केंद्र की एनडीए सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। तैयार हो चुकी है, हम लोग से चार कदम आगे है जनप्रतिनिधि, और वो लोग अपने तैयारी कर चुके हैं, हम लोग चुनाव जीतेंगे। आज अफसरशाही इतनी हॉबी है, आज अफसरशाही के चंगुल में हमारे जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जनता मालिक होती है, तो मालिक को अफसरों के सिर्फ पायदान में बैठने का काम करे, ऐसा हम नहीं होना चाहते हैं, और ये चुनाव इसी बात को फैसला